अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी ठीक हूँ बिल्कुल। और ये मैं आज आपके सामने बना रही हूँ चने की दाल विद नमकीन चावल। ये नमकीन चावल इनके लिए प्याज भी मैंने काट के उसने घी डाल के रखा हुआ है। मेरे खीने भी लाइट ब्राउन होंगे तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और इधर ये दाल जो है उसके लिए प्याज ब्राउन कर रही हूँ मैं। अब जैसे ये ब्राउन हो जाते हैं तो फिर मैं साथ ही दाल और ये दूसरी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए चावल जो है मैंने तकरीबन आज अभी से 15 मिनट पहले धोए हुए थे तो धो के रख दिए हुए हैं। और चने की दाल जो है वो 3-4 घंटे हो गए हैं मुझे इसको पानी में भिगो के धूप में रखे हुए, तो ये अब बड़े टेस्टी पकेगी। ये मसाला जात मैंने रखे हुए हैं, हुशक बनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ गर्म मसाला, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए ये भी माशाल्लाह से जल्दी जल्दी से रेडी हो जाएगी। मोस्टली लोग उबले हुए चावल खाते हैं दाल के साथ, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं नमकीन चावल, तो इससे भी कम घी और कम प्याज डाल के वो जो है थोड़े से मटेरियल से नमकीन चावल जो हैं वो पसंद करते हैं पके हुए। और यहाँ पे दाल जो है उसके लिए प्याज ब्राउन कर रही हूँ। मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग देखते हैं और जो लोग मेरी कुकिंग को पसंद करते हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत मशहूर हूँ। यहाँ पे चावलों के लिए प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है तकरीबन, अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो ये मैंने इसमें पानी ऐड किया, तकरीबन दाल के लिए भी जो है वो प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो दाल इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड जल्दी जल्दी से करूँगी क्योंकि प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। और साथ ही मैं सारे मसाला जो आप ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं ये चावल में डालूंगी, दाल में मैं मजीद पानी डालूंगी। लहसुन और टमाटर कबल मिर्च जो है वो लहसुन नहीं डाला, ये मैं आपको वाजह कर दूँ क्योंकि लहसुन मेरे पास अवेलेबल नहीं था वो नहीं डाला। अदरक कूट के मैंने डाली है और टमाटर आधा टमाटर डाला है क्योंकि इसकी भी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने टेस्ट के लिए डाल लिया कबल मिर्च और टमाटर डाल लिए। और यहाँ पर मैंने जो है इसमें अदरक लहसुन अदरक सॉरी प्याज अदरक टमाटर सबज मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। और अभी नमक तो सॉरी मैंने डाला ही नहीं है,
नमक जो है वो अभी तो फिलहाल मैं आधा चम्मच डालूंगी। और यही एक चम्मच मैं चावल में भी ऐड कर दूंगी। तो जी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और मैं साथ ही इसको भून रही हूँ।